आप देख रहे हैं नेशनल वॉच खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, राजधानी लखनऊ के फिनिक्स प्लाजियो मॉल में आज नॉर्थ इंडिया का पहला पैन एशियन रेस्टोरेंट खुला है। जहां दोस्तों फिनिक्स मिल्स लिमिटेड के डिवीजन बेलोना हॉस्पिटैलिटी डिवीजन के तहत इसको खोला गया है। यूं तो फिनिक्स प्लाजियो में बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, लेकिन ये अपनी तरीके का बिल्कुल पहला नॉर्थ इंडिया का रेस्टोरेंट है। इस रेस्टोरेंट के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि किचन के साथ साथ यहाँ पर मॉकटेल्स की बहुत सारी वेरायटी है। आने वाले समय में बहुत सारी कॉकटेल्स आपको यहाँ मिलेंगी, बाहर बैठकर के सुंदर नज़ारे के साथ, यानी फाइन डाइनिंग का पूरा इंतज़ाम है। तो एट नाम कैसे पड़ा? जी हाँ, पेट पूजा करने का एक नया ठिकाना है एट। तो ये नाम कैसे पड़ा, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं, आइए सब पूरी चीज़ की जानकारी हम लेते हैं सेंट्रल डायरेक्टर फिनिक्स के संजीव सरीन जी से और COO पुनीत इस्सर जी। हम आज फिर आपके सामने हैं फिनिक्स पलासियो, दोबारा से आपके लिए एक कुछ डिफरेंट लेके आया है। हमारी खासियत है फिनिक्स पलासियो की, हम हमेशा कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, और ये उसी प्रयास में हमारा एक रेस्टोरेंट है ओरिएंटल कुदीन रेस्टोरेंट, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ओरिएंटल कुदीन फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट हम खोलने जा रहे हैं। इसका नाम है एट। इसका नाम हमने इसलिए रखा है क्योंकि एट जो है लकी माना जाता है चाइना में, इवन बुद्धिस्ट लोग भी इसको लकी मानते हैं, ये एक शुभ अंक है, इसलिए हमने इसका नाम एट रखा है। ये हमारा 150 सीटर रेस्टोरेंट है, 130 से भी ज़्यादा ऑफरिंग्स हम लेके आए हैं हमारे लखनऊ के कस्टमर के लिए। हमने हमेशा अलग और बहुत ही बेहतर देने की कोशिश करी है, ये उसी प्रयास में हम ओरिएंटल कुजीन रेस्टोरेंट लेके आए हैं। लोगों को इंडिया में अगर बात करें तो वो ओरिएंटल कुजीन नहीं देखते हैं, वो चाइनीज़ कुजीन देखते हैं, लेकिन फिनिक्स पलासियो का फोकस था कि हम जेन्युइन और ओरिजिनल चीज लेके आए अपने कस्टमर्स के लिए। उसी प्रयास में हमने ओरिएंटल कुजीन किया है, जिसमें हम मलेशिया, चाइना, इंडोनेशिया, कोरिया, जापान, इन सब की डिशेस जो हैं आपके लिए लेके आए हैं, जो कि आप पहली बार टेस्ट करेंगे, और इसमें जितना ऑथेंटिक फ्लेवर आपको मिलेगा, ऐसा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको लखनऊ क्या पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं और नहीं मिलेगा। एट हमारा रेस्टोरेंट मुंबई में हमारे फिनिक्स पैलेडियम में ऑलरेडी काफ़ी टाइम से चल रहा है, और उसकी प्रसिद्धि देख के और उसकी सफलता देख के ही हमने ये डिसीजन लिया कि हम लखनऊ निवासियों को इससे वंचित क्यों रखें, और यही प्रयास था, और हम ये आपके लिए लेके आए हैं। मैं सबसे अनुरोध करूंगा एक बार केवल आप जरूर इसको एक्सपीरियंस कीजिए, इट्स अ डिफरेंट ऑफरिंग फॉर ऑल लखनऊआइट्स। थैंक यू। एट रेस्टोरेंट में पैन एशियन फूड के होते हुए हम लोगों ने जापानीज सुशी रखा है, जिसमें निगिरी है, जिसमें तेमाकी है, जिसमें उरामाकी है, और जिसमें साशिमी है, ये सुशी के टाइप्स है। तो ये सारा है, हमने खास ध्यान दिया है कि जितनी नॉन वेजिटेरियन चॉइसेस हो उतनी ही वेजिटेरियन चॉइसेस भी हो, एंड क्योंकि मेरा ये मानना है कि इंडिया में 1.4 बिलियन वेजिटेरियंस रहते हैं, जिसमें से कुछ लोग नॉनवेज भी खाते हैं, सो वो मान के हमने वो रखा। उसके बाद हमने सूप्स और सैलड्स रखे, जैसे सोमटैम सैलड हो गया थाईलैंड का, क्रिस्पी डक सैलड हो गया फ्रॉम चाइना, एंड सूप्स तो काफ़ी होते ही हैं चाइनीज़ के। अगर आप हमारा स्वीट कॉर्न सूप की टेस्ट करेंगे, क्रीम ऑफ स्वीट कॉर्न सूप, तो आपको काफ़ी अलग पता चलेगा, सो काफ़ी रिफाइंड तरीके से उन्होंने बनाया। एडिशन टू दिस फिर हमारे डिमसम्स आ जाते हैं। डिमसम्स में हमारे जो कुछ हमारे खुद हाउस स्पेशलिटीज़ हैं, जिनको जैसे हमारा एट हरगांव स्पेशल है, वो आप आज टेस्ट भी करेंगे, प्लस पॉट स्टिकर्स हैं जैसे शंघाई डम्पलिंग जैसे जो होते हैं, ग्योज़ा जो जापानीज़ होते हैं, प्लस हमारे ऐसे डिमसम्स हैं वेजिटेरियन में, और उसमें भी वेज और नॉन वेज में बैलेंस है। वेजिटेरियन में जो डिमसम्स है जैसे क्रिस्टल डम्पलिंग हो गया, एडमामे एंड ट्रफल डम्पलिंग हो गया, और इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम हांगकांग शंघाई वहाँ से इम्पोर्ट कर रहे हैं फॉर फ्लाफ, क्योंकि अगर आप देखो तो डिमसम्स एंड मोमोज आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, मगर जो मोमोज होते हैं वो मैदे से बनते हैं, और जो डिमसम होते हैं
वो एक स्पेशल फ्लावर होता है, प्लस उसमें पोटेटो स्टार्च ऐड किया जाता है। जितना ज़्यादा आप पोटेटो स्टार्च ऐड करेंगे उतना शाइन और ट्रांसपेरेंसी आएगा उसमें, तो हमने उसका ख्याल रखा। और वो लाइट भी होते हैं, हमारे सारे डिम्सम्स अगर आप जब भी वे करेंगे वो 28 to 30 grams के होंगे। उसमें कितनी टूथपिक की लाइनें होंगी वो भी सब सेम होंगी सब में, तो हम लोग उतना उसमें ध्यान देते हैं। और हमने डिम्सम काउंटर यहाँ बाहर रखा है ताकि आप लोग देख सकते हो वो बन, तो डिम्सम्स हो गए हमारे। उसके बाद हमने स्मॉल प्लेट्स रखी जिसमें अगेन वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन स्टर फ्राइज वगैरह होते हैं, क्योंकि आप अगर सोचोगे तो चाइनीज रेस्टोरेंट में स्टार्टर्स ज़्यादा टेस्टी होते हैं मेन कोर्स, क्योंकि स्टार्टर्स आदमी ज़्यादा खा लेता है और मेन कोर्स की जगह ही नहीं बचती, तो थोड़ा हैवी हो जाता है। तो हमने स्मॉल प्लेट्स काफ़ी रखी। उसके बाद हमने करीज रखी, करीज हमारी कोरिया से भी हैं, जापान से भी हैं, थाईलैंड से भी हैं, चाइना से भी हैं, मलेशिया से भी हैं और इंडोनेशिया से भी हैं। और फिर हमने कुछ ऐसी करीज रखी जो कि 8 की स्पेशल है, जिसमें हमने जैसे चिलियन सी बैस वो फिश लाई है, हमने सामन मंगवाया है नॉर्वे से, क्योंकि हमें लगता है और मेरे को जब भी मैं यहाँ पे आया हूँ, संजीव मेरे को लेके गए हैं दूसरे रेस्टोरेंट में खिलाने, एंड वेरी प्राउडली बिकॉज ही रियली उनको मतलब ये तो उनका घर है ये मॉल, सैटरडे हो संडे हो मेरे को वो यहीं पे दिखते हैं, तो उनका वो जो पैशन है मेरे को लगता है कि मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला सब कुछ डालो और ज़्यादा डालो, तो हम लोगों ने वो फिश वगैरह भी इम्पोर्ट कर। और उसके बाद हमारे जो है राइस और नूडल सेक्शन, जिसमें हम लोग हैंडमेड होफान नूडल, हैंडमेड उडोन नूडल यहाँ पे खुद बनाते हैं, एंड राइस है जिसमें ब्लू पी राइस है जो ब्लू पी फ्लावर के फ्लावर से बनता है, और एक्सो राइस है जिसमें सी फूड काफ़ी होता है, एंड फिर डिजर्ट। तो ये हमारा है। इन एडिशन टू दिस मॉकटेल्स अभी हैं, जब हमारा फुल लाइसेंस आ जाएगा तो कॉकटेल्स भी होंगी। आपने एंटर करते ही देखा कि काफ़ी बड़ा बार रखा है, उस पर भी हम काफ़ी फोकस करते हैं, तो काफ़ी सारी मडल्ड कॉकटेल्स होंगी, टॉल कॉकटेल्स होंगी, मार्टिनीज होंगी, जो आपको अगर आप इस रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हो तो आप ये सोच सकते हो आप लखनऊ में हो, आप ये सोच सकते हो आप दुबई में हो, आप ये सोच सकते हो आप न्यूयॉर्क में, तो हमने ऐसा एम्बियंस बनाया। मिनी भट्ट जो हैं जिन्होंने कोई इंडिया में 85 रेस्टोरेंट्स बना चुकी हैं, उन्होंने ये डिज़ाइन किया है। हमने बाहर का एरिया भी अच्छा रखा बिकॉज वेदर बहुत अच्छा है, एंड मेरे को बता रहे थे हमारे एक फ्रेंड की दिस इज़ द राइट टाइम टू ओपन, क्योंकि अब तो और भी प्लेजेंट है और मार्च तक ऐसा रहेगा, बल्कि बहुत ठंड भी हो जाएगी तो उस समय हम बाहर हीटर लगाएंगे। आप बाहर जाके देखिएगा, हमने गजीबोज बनाए हैं, कबानाज बनाए हैं, उनमें फैंस लगाए हैं, तो आपको हम आपको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस देंगे, और हमारा जो खाना होगा वो जो आपको ये हांगकांग में मिलेगा वो ही यहाँ पे मिलेगा, जो आपको जापान में मिलेगा यहाँ मिलेगा। मैं जापान में एक्सटेंसिवली घूमा हूँ, क्योंकि एक कीकोमान सोया सॉस जो है ओल्डेस्ट सोया मेकिंग कंपनी इन जापान, मैं उसका इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, तो मैं ये देखा है, मैंने उनसे सीखा है कि पिछले 350 साल से उन्होंने अपनी रेसिपी चेंज नहीं करी, एंड जिस तरीके से उनकी जो इंटेग्रिटी टूवर्ड्स अ रेसिपी है वो हमने अपने मेन्यू में फॉलो किया। सो ये है 8।